वेलकम टू अभी पीडिया गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एमसीक्यू सीरीज दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपको पता है 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी। तो एज सच ऐसा नहीं है कि मैं पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, जो स्टार्टिंग का थोड़ा सा जब फॉर्म हुई उसके कंटेक्स्ट के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ कि जैसे क्वेश्चन आएगा स्क्रीन के ऊपर आप उसको क्या करना है, पॉज करना है, उसके बाद अपना आंसर निकालो एंड देन यू कैन प्ले इट, राइट। सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज एट पुणे। सेकेंड इज द ए ओ ह्यूम अज्यूम्ड ऑफिस एज जनरल सेक्रेटरी। थर्ड स्टेटमेंट इज द फर्स्ट सेशन वॉज प्रिसाइडेड बाय एस एन बनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज 1 and 2 ओनली, सेकेंड ऑप्शन इज 2 ओनली, थर्ड ऑप्शन इज 1 and 3 ओनली, फोर्थ इज ऑल ऑफ द बो। तो जल्दी से इसको सॉल्व करो, ठीक है। ओके, तो डिस्कस करते हैं। देखो, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी तो ए ओ ह्यूम रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे जो शिमला के अंदर घूम रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने ये आइडिया दिया था कि हम इसको फॉर्म करते हैं। सो फर्स्ट इज इंडियन। अब पहले जो स्टार्टिंग के अंदर पहला सेशन होना था पुणे के अंदर, बट ड्यू टू कॉलरा इन्होंने शिफ्ट कर दिया बॉम्बे। सो फर्स्ट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज एट पुणे। पुणे नहीं है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड इज ए ओ ह्यूम। अब ए ओ ह्यूम एज ए जनरल सेक्रेटरी बन गए थे वहां पे फर्स्ट सेशन के थ्रू, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज द फर्स्ट सेशन। अब प्रेसिडेंट कौन था उसका? नॉट एस एन बनर्जी, इट वॉज डब्ल्यू सी बनर्जी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सो आंसर विल बी 2 ओनली। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंटेक्स्ट टू फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। फर्स्ट इज लॉर्ड डफरिन वाज वॉइसराय ऑफ इंडिया। सेकंड, व्हेन आईएनसी वाज फॉर्म्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज लॉर्ड रुडॉल्फ चर्चिल। सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट इज व्हेन आईएनसी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज अर्ल ऑफ किम्बरली, राइट। तो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट? फर्स्ट ऑप्शन इज 1 ओनली, देन 2 and 3 ओनली, देन 1 and 3 ओनली, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो डिस्कस करते हैं। लॉर्ड डफरिन वाज वॉइसराय, ये हमें पता है, हमने पढ़ा है। सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट, देखो ये दो नई स्टेटमेंट्स हैं। जब फॉर्म हुई उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, एंड जब फर्स्ट मीटिंग हुई, क्योंकि उस टाइम पे भी इलेक्शन वो चेंज हुआ उसी टाइम के ऊपर, दिसंबर 1885 के अराउंड ये फर्स्ट मीटिंग होती है इनकी। तो जो जब फॉर्म हुई उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था अर्ल ऑफ किम्बरली, जब पहली बार मीट किए उस टाइम पे रुडॉल्फ चर्चिल। तो ये अपोजिट है। तो सेकंड स्टेटमेंट अगर मैं पहली उठाऊं तो उसके लास्ट में जो रुडॉल्फ चर्चिल है वो थर्ड स्टेटमेंट का आंसर है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो आंसर विल बी 1 ओनली। तो यहां पे 1 ग्रीन कलर था तो देख लेना, मतलब आंसर 1 ओनली है, ठीक है। ओके, बाय मिस्टेक वो ग्रीन रेड कलर हो गया। ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे लिखा है बट व्हेन द कांग्रेस मेट फॉर द फर्स्ट टाइम दिसंबर 1885 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज लॉर्ड रुडॉल्फ चर्चिल। तो उससे पहले कौन था? अर्ल ऑफ किम्बरली, राइट। ओके, थर्ड स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू विलियम वेडरबर्न। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही वॉज बायोग्राफर ऑफ ए ओ ह्यूम। सेकेंड इज इन 1882 ही बिकेम द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ पुणे। थर्ड इज ही प्रिसाइडेड ओवर कांग्रेस फॉर 3 टाइम्स। ऑप्शन इज 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर निकालो। तो डिस्कस करते हैं। बायोग्राफर था, ये हमें पता है ए ओ ह्यूम का, बहुत ज्यादा इंप्रेस था ए ओ ह्यूम से, तो ये सही है। अराउंड 1860 के अंदर जो आपका वेडरबर्न है वो इंडिया के अंदर आता है, ठीक है। तो 1882 के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ पुणे बनता है, करेक्ट है। थर्ड ही प्रिसाइडेड ओवर थ्राइस टाइम, नहीं, ये 2 टाइम प्रिसाइड किया था इसे। सो स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली इज करेक्ट। तो यहां पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, टाइम निकाल के इसको पढ़ो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे यूपीएससी के अंदर आते हैं। अब जो पर्सनैलिटी के ऊपर पूछते हैं, और ऐसी पर्सनैलिटी जिसका बहुत सारा रोल था इसके अंदर, और वो फर्स्ट सेशन के अंदर भी प्रेजेंट था एज ए मेंबर, ठीक है। तो ये सारे वेबली कमीशन जो था, जिसको इंडियन एक्सपेंडिचर के ऊपर, उसके अंदर भी वो रिप्रेजेंट किया था उसने। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए ओ ह्यूम लीड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल यूनियन। सेकेंड इज डब्ल्यू सी बनर्जी सुजेस्टेड नेम इंडियन नेशनल कांग्रेस।
थर्ड इज द वर्ड कांग्रेस वॉज टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आई होप कि आपको ये आता होगा, इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज वन एंड टू ओनली, सेकेंड ऑप्शन इज टू एंड थ्री ओनली, थर्ड ऑप्शन इज वन एंड थ्री ओनली, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो डिस्कस करते हैं इसको। फर्स्ट इज एओ ह्यूम लेड द फाउंडेशन। देखो एओ ह्यूम ने फाउंडेशन लेड की थी, वी नो दैट। तो उसने पहले जो नाम सजेस्ट किया दैट वाज इंडियन नेशनल यूनियन, बट उसके बाद जब दादाभाई नौरोजी के सजेशन के ऊपर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। एंड देन वर्ड कांग्रेस अगर कहां से हमने लिया था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, वो दादाभाई नौरोजी है, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो आंसर विल बी सी, वन एंड थ्री ओनली। तो ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, आईएनसी फॉर्मेशन के दादाभाई नौरोजी ने इसका नाम सजेस्ट किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड कांग्रेस एज माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज अर्ल ऑफ किम्बरली, सेकेंड इज लाला लाजपत राय, थर्ड इज लॉर्ड डफरिन, फोर्थ इज एडॉल्फ चर्चिल। सो करेक्ट आंसर इसका है लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन को ऐसा लग रहा था कि भाई पहले ये कोई इतना बहुत बड़ा है नहीं, तो जब बहुत सारे पैम्फलेट आए तो उस पैम्फलेट के अंदर ब्रिटिश की बेइज्जती की हमने, जो हमारा अधिकार था उस टाइम पे, तो देन ही रियलाइज के भाई नहीं यार ज्यादा इज्जत नहीं है अब। तो उसने फिर उसको बाद में उस कंटेक्स्ट को लेना अलग तरीके से स्टार्ट किया कि नहीं, इट कैन, इट कुड बी बिकम अ बिगेस्ट थ्रेट। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपी माइनॉरिटी ऑफ इंडिया पहले उसने जो सोचा था स्टार्टिंग के अंदर जो व्यू था, तो लॉर्ड डफरिन का। सिक्स क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द कांग्रेस प्रेसिडेंट वॉज इलेक्टेड फ्रॉम सेम रीजन वेयर इट वॉज हेल्ड। सेकेंड इज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट ऑफ आई एन सी वॉज सैयद बदरुद्दीन तैयबजी। थर्ड स्टेटमेंट इज द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट वॉज सरोजनी नायडू। सो कौन सा करेक्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। फर्स्ट इज वन एंड टू ओनली, सेकेंड इज टू ओनली, थर्ड इज वन एंड थ्री ओनली, फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। अब देखो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने इसके बाद स्लाइड के बाद आपको इन्फॉर्मेशन भी लिखी है वहां पे। तो पहला कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला कौन सा प्रेसिडेंट था, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फर्स्ट मुस्लिम कौन था, फर्स्ट इंग्लिश कौन था, देन फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, फर्स्ट जनरल वुमेन कौन थी। यहाँ पे फर्स्ट है द कांग्रेस प्रेसिडेंट वॉज इलेक्टेड फ्रॉम द सेम रीजन, नहीं वो अलग रीजन से सिलेक्ट करते थे, कभी भी उन्होंने सेम रीजन को सिलेक्ट नहीं करने की स्टार्ट किया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड इज फर्स्ट मुस्लिम आई एन सी वॉज बदरुद्दीन तैयबजी, नो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड इज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट वॉज सरोजनी नायडू, नहीं दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट इंडियन वुमेन वॉज सरोजनी नायडू, बट फर्स्ट जनरल वुमेन वॉज एनी बेसेंट। सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो आंसर विल बी टू ओनली। तो ये इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट आई एन सी बदरुद्दीन तैयबजी, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट वॉज जॉर्ज यूले, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट वॉज एनी बेसेंट 1917, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट वॉज सरोजनी नायडू एट कानपुर 1925। ओके, अब मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ आई एन सी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो आंसर इसका जनरल है दादाभाई नौरोजी, इसके अंदर कोई वो दूसरी बात नहीं है। मैं आपको अच्छा एक सोर्स बताता हूँ कहाँ से आपने पढ़ना है। जितने भी सेशन हुए हैं कांग्रेस के और उन कौन सी पर्सनैलिटी उसकी प्रेसिडेंट थी, इसको आप यहाँ वहाँ पे आई एन सी सेशन टाइप करोगे गूगल के अंदर, तो आपको आई एन सी की ऑफिशियल साइट मिलेगी, वहां पे जाओ, वहां पे टोटल इंफॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जवाहरलाल नेहरू नेवर प्रिसाइडेड आई एन सी आफ्टर इंडिपेंडेंस। सेकेंड स्टेटमेंट इज द लास्ट सेशन ऑफ आई एन सी आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज प्रिसाइडेड बाय श्रीमती सोनिया गांधी। थर्ड स्टेटमेंट इज द लास्ट सेशन ऑफ आई एन सी बिफोर इंडिपेंडेंस वॉज प्रिसाइडेड बाय जे बी कृपलानी। सो ऑप्शन इज वन एंड टू ओनली, सेकेंड ऑप्शन इज टू एंड थ्री ओनली, थर्ड इज थ्री ओनली एंड ऑल ऑफ द अबव। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से मैंने बनाया कि इसके अंदर प्रेजेंट कंटेक्स्ट को भी साथ में जोड़ा गया है। नो फर्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू नेवर प्रिसाइडेड, नहीं इन्होंने प्रिसाइड किया था, आप उस साइड के ऊपर जाना वहां पे, तो आप जब उस साइड के ऊपर जाओगे वहां पे इंफॉर्मेशन टोटल है, वहां पे आफ्टर इंडिपेंडेंस आपको पता लगेगा कि जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन से सेशन को प्रिसाइड किया। तो सिर्फ आपने मोटा मोटा देखना है आफ्टर इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस का सारा देखना है। सेकेंड इज द लास्ट, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज द लास्ट सेशन ऑफ आई एन सी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अब इंडिपेंडेंस के बाद लास्ट सेशन किसने प्रिसाइड किया, नो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों, क्योंकि 2018 के अंदर हुआ था दिल्ली के अंदर, तो ये राहुल बाबा हमारे हैं उन्होंने किया था, नॉट सोनिया गांधी।
तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. थर्ड इज द लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, किसने, जेबी कृपलानी, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो आंसर विल बी 3 ओनली. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैंने सिर्फ स्टार्टिंग का ही उठाया है, उसके बाद जो जनरल चलेगा हमारा मॉडरेट फेस ये वो सारा, उसके अंदर भी कांग्रेस के सेशंस आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर जो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने रिकलेक्ट करके उसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में बनाया. आई होप आपको ये ठीक लगा होगा. थैंक यू वेरी मच.